दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बोले केजरीवाल, ये जनता की जीत है, पहले से बेहतर करेंगे काम। हनुमान मंदिर जाकर किए भगवान के दर्शन। सभी हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी का बुरा हाल दहाई के आंकड़ों को भी नहीं छुपाई सबसे बड़ी पार्टी, बोले मनोज तिवारी, सिरमाते हैं जनता का फैसला, दिल्ली के जंग में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा। कई नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और मारपीट का दोषी पाया गया ब्रजेश ठाकुर। भारत में ऐप के जरिए कैब सर्विस प्रोवाइड करने वाली प्राइवेट कंपनी ओला ने नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल ओला ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपनी कैब सेवा शुरू की है। इसके तहत ओला ने कंफर्ट एक्सेल और एग्जीक्यूटिव राइड श्रेणियों में सेवाएं देनी शुरू की है। संजय दत्त ने शादी की 12वीं सालगिरह पर मंगलवार को पत्नी मान्यता दत्त के साथ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा, सालगिरह मुबारक। वहीं मान्यता ने भी संजय दत्त के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा, जिंदगी के हर सुख दुख में कोई साथ खड़ा हो, इससे बेहतर एहसास कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा कि वो टेस्ट और वनडे करियर को आगे बढ़ाने और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए अगले कुछ साल में T20 क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के एलन बॉर्डर पदक जीतने वाले वार्नर पुरस्कार पाने के बाद फफक पड़े थे।